नमस्कार मु तपस्विनी प्रिय दर्शक बंधु पुनर्बार आपण मानक जीवंत आहार कार्यक्रम को स्वागत करे। आसंतु सबुदिन भली आज मध्य आम ईश्वर वाक्य को पाठ करिबा एवं ताहाकु ध्यान करिबा। आज ध्यान अंश पवित्र बाइबल आइबो पुस्तक 31 अध्याय 1 पद रु 23 पद। आज मुख्य प्रसंग कोराम देव अर्थात ईश्वर सम्मुखरे एठारे एपरी लेखा अछि मु अपना चक्षु संगे नियम कली तेबे मु युवती प्रति किपरि अनाइबी कारण ऊर्ध्वस्थ परमेश्वर ठारु प्राप्त अंश कौन और उपरिस्थ सर्वशक्ति मानक ठारु प्राप्त अधिकार कौन ताहा कि अधार्मिक मानक प्रति विपद और अधर्माचारी मानक प्रति दुर्गति नुहे। से कि मोहर मार्ग सबू देखती ना और मोहर पादगति गणती ना जेबे मु असारतारे गतायत करिथाए ओ मोहर पाद प्रवंचन पथरे व्यग्र होइथाए तेबे मु धर्म नीतिरे तौला जाए तहिरे परमेश्वर मोहर सरलता जानिपरिबे। जेबे मोहर पाद विपथरे जाइथाए ओ मोहर अंतकरण मो चक्षु अनुसारे चालिथाए ओ जेबे मो हस्तरे कौनसी कलंक लागिथाए तेबे मु बुणे ओ अन्य भोग करू मो क्षेत्रर शस्य मूलोत्पाटित हेउ। जेबे मोहर हृदय कौनसी स्त्री प्रति लुब्ध होइथाए ओ मु आपणा प्रतिवासीर द्वार निकटरे लुचि बसिथाए तेबे मो भार्या अन्यर चकी पेशु ओ अन्य माने ताहाकु भोग करंतु कारण ताहा गुरुतर दोष आउ ताहा विचार कर्तृगण द्वारा दंडनीय अपराध कारण ताहा सर्वनाशक ग्रासकारी अग्नि ओ मो सर्वस्वर मूलोत्पाटन करंता। मो दास कि दासी मो संगे विरोध कले जेबे मु सेमानकर गुहारी तुच्छ करिथाए तेबे परमेश्वर उठिले मु कौन करिबी ओ से तत्व कले मु ताहांकु कि उत्तर देबी। जे मते गर्भरे निर्माण कले से कि ताहाकु निर्माण कले नाही ओ एक व्यक्ति कि गर्भरे आम्भमानकु गढ़ी नाहांती। जेबे मु दरिद्र मानकु सेमानक बांछित विषयरु अटकाई थाए अबा विधवार दृष्टि म्लान करिथाए अथवा आपणार खाद्य एका खाई थाए ओ पितृहीन तहिरु खाई नथाए मात्र पिता निकटरे बढ़िला परी से मोहर बाल्यावस्थारु मो निकटरे बढ़िला ओ मो जन्म ठारु मो विधवार पथदर्शक होइअछि। मो काहाकु वस्त्र भावरे मृतकल्प अबा दीनहीन को उल्लंघ देखिले जेबे ताहार कटिदेश मते आशीर्वाद करि नथाए ओ से मो मेषलोमरे उष्म होइ नथाए। मो नगर द्वाररे निज उपकारिकि देखि जेबे पितृहीन विरुद्धरे आपण हस्त उठाइ थाए तेबे मो स्कंध सन्धि स्थानरु खसि पडु ओ मो बाहु अस्थिरु भांगि जाउ कारण परमेश्वरंक ठारु विपद मो प्रति भयानक थिला ओ ताहांक महत्व हेतुरु मु किछि करि पारिलि नाही। आजर पठित शास्त्रांशे ईश्वर आम प्रत्येक को आशीर्वाद करते आसतु यही पठित शास्त्रांश को आम्भे मैंने बुझा निम्ते चेष्टा करवा। आज शास्त्रांशटी जड़े प्रतिवादी कोर्टे निर्दोषता को प्रमाणित करार अनुभूति प्रदान कै प्रथम आईब कौन अनैतिक कल्पना जनित पाप करना बोली घोषणा कले। द्वितीय से कहार मुखापेक्षा करना बोली दाबी कले। तृतीय रे आइबो व्यभिचार करिनाहांती बोली दाबी कले। चतुर्थ रे आइबो दाबी कले जे से तांकर दासमानक प्रति अन्याय करिनाहांती। पंचम रे दरिद्र ओ दीनहीन मानक प्रति उपद्रव करिनाहांती बोली दाबी कले। आइबो दृढ़ निश्चिततार सहित एही समस्त दाबी करि पारिले कारण से सर्वदा ईश्वरंक सम्मुखरे बास करूथिले। यह आम एक पदरु 23 पद मध्य देखुअ एठार ईश्वर निजक किपर प्रकाश करसतु ता देखा 2-4 पद 6 पद 14 पद एवं 23 पद यहीपर कहे ईश्वर जे आपणकर प्रत्येक गति को देखती और कुक्रियाकारी प्रत्येक गति प्रति दृष्टि अच्छी विषय चिंता कले आपण को आश्वस्त लगुच ना आपण भयभीत अटंती। आसंतु आम्भे माने आज से ही ईश्वर सम्मुखरे बास करू जी आम्भमानक जीवनर प्रत्येक गति को निरीक्षण करती। शास्त्रांशे ईश्वर आज आम्भमानक कौन शिखाइबा को चाहती आसंतु प्रिय माने आम्भे माने शिखिबा एवं ताहाको आपणा आपणा जीवन रे प्रयोग करिबा निमते चेष्टा करिबा। 16-23 पद यहीपरि आम्भमानक कहे
ଯେତେବେଳେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରନ୍ତି? ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତିକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ବଳ ଓ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁନାହୁଁ ତ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରି ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।